अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आए हैं एक फार्म है, यहाँ पे बर्बरी गोट्स का फार्म है जो बेहतरीन और अच्छी एयर क्वालिटी एक नंबर बर्बरी। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरह से देखें, कमेंट करें। मज़ीद में आपको पीछे दिखा गया, हमारी बहुत बड़ी मेहनत होती है ऐसी चीज़ें ढूंढने में और दिखाने में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, वीडियो को एंड तक देखा करें। आप देख सकते हैं बर्बरी जो मंडी में आती है वो मुख्तलिफ किस्म की है, यहाँ पे जो फार्म पे होते हैं तो ये अलग होती है। अच्छा हाँ, पहली बात बताऊँ तो ये वडेरा है यहाँ का अमन बड़ो मीर साहब मीर मरी, उसका बेटा भी यहाँ मौजूद है, उससे कुछ अपडेट वगैरह लेंगे। तो ये मरी साहब की जो गोट्स हैं तकरीबन घना थी दाई घना दाना है ना, 50 से 60 दाने हैं भाई के पास। यहाँ पे देख सकते हो बर्बरी जो गोट्स है 50 से 60 दाने हैं, जिसमें बच्चे भी हैं छोटे। अच्छा है आया नहीं, ये खीर वाली आने मैं फरन वाली हूँ घड़ी वालू है 12-13 जो बच्चों वाली, कितने बच्चे हैं उनके पीछे? दो दो एक बकरी के बना तकरीबन 20 बच्चे हैं पीछे, चलो सही 20 बच्चे हैं। और यहाँ पे अगर आप हमें चला के दिखा सकते हो बकरियाँ, थोड़ी साइड निकालोगे तो अलग ही थोड़ा मज़ा आएगा, तो देखते हैं। अच्छा मुख्तियार भाई, तो ये कौन सी नस्ल है? ये बर्बरी नस्ल में नस्ल कौन सी है, पाड़ा दात कौन सी है इसकी, कौन सी दात है बेटा इसकी? बर्बरियाँ नस्ल कौन सी है? आप और मीर साहब के बेटे, ये मीर साहब का नाम नालो चाहते बाबर मरी, ठीक है। अच्छा घना दाना है तुझा? पंजाब 52 मैं फर्म समय 65 डाइन, ठीक है माशाल्लाह। यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चे देखें और यहाँ पे बर्बरी जो गोट्स है वो देखें, चला के अच्छी तरह से भाई ने खड़ा करके दिखाया हमें माशाल्लाह। इनके साथ एक ब्रीडर है और खूबसूरत बकरियाँ और खूबसूरत जो हाईब्रिड होती है क्वालिटी, हाई क्वालिटी की बकरियाँ यहाँ पे देखें माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत और अच्छी। तो आ लिया छोटू, यहाँ पे देखें माशाल्लाह बेहतरीन और नस्ल अच्छी है। घना टाइम थे आगे ही रखने बकरियों तमाम वट शौक कदा का वटी आवाज बकरी कदें का वटी शौक 8-10 साल 8 से 10 साल हो चुके हैं शौक। अच्छा इनमें निमाइश भी थी बकरी जी? अच्छा इनमें निमाइश वाला कड़ा दाना दिखा सकता था? अच्छा कुछ दाने इसमें निमाइश भी लगती है। अच्छा माशाल्लाह एक देखें ये निमाइश वाली है और एक ये लाल पेरेंट में माशाल्लाह ये भी निमाइश वाली है और एक ये भी है, ये भी निमाइशी है। मेरी नज़र में तो सारी निमाइशी हैं जो दिखने में आ रही है, मेरे जितनी भी है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर हैं आपके पास। तो यहाँ देखें माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा यहाँ पे जो मौजूद हैं इनको थोड़ा नस्ल के बारे में पता नहीं, ये छाबी बर्बर इसको बोलते हैं सिंध की सदर, तो वो नस्ल है ये बेहतरीन है माशाल्लाह। एक इनके पास ये ब्रीडर है छोटा, यहाँ पे देखें माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और अच्छे दाने। अच्छा ये मुख्तार कितना दूध देती है टाइम पे? हलिया छोटू ना ये 1.25 किलो देगी कम से कम। खीर घना घना फर्क देगी बबी दिंदिया ट्रेव दिंदिया फर्क खीर घना दिंदिया एक बकरी किलो डेढ़ किलो डेढ़ किलो का मत है ब किलो ताई एड़ो को दाणो आया वाण जो ब किलो खीर दो जे ताई नजर में देखा गा वो देखा सको दा माशाल्लाह। यहां पे देखें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और अच्छी प्रेग्नेंट बकरियां हैं और इधर हम प्यार खूबसूरत दाने हैं अच्छे हैं। डिटेल जो है मैं आपको दे रहा हूं फार्म की माशाल्लाह, यहां देखें इसके हवाने वगैरह चेक करें बड़ी खूबसूरत। अच्छा ये फर आ गया हां फर तो बच्चे इसके माशाल्लाह। छोटू नाम क्या बताया आपने? बाबर अली मरी। इधर आ बाबर अली मरी। अच्छा आप सेल करते हो इनमें से बेचते हो? ये उर्दू समझते हो ना? समझते हो ना, फिर आप उर्दू में सब थोड़ी कुछ हमें बात करो। बेचते हैं कि नहीं हो? अगर कोई शौकीन आ जाए, कोई शौकीन आ जाए और बोले हमें कोई एक दो दाना दे दो, एक बच्चा दोगे? बड़ी बकरी नहीं दोगे? बड़ी बकरी नहीं दूंगा। आपका शौक है, आपके अब्बू का शौक है, दोनों का शौक है। कितने भाई हो आप? कितने भाई हो वैसे? 3 भाई। आप मजदूर हो? अच्छा कितना टाइम हो गया आपको वडेरे के पास? मुजरे के पास आपको 5-6 साल वडेरे के पास हो गए, ठीक है। आपको तो पता होगा, आप तो इनको चलाते हो पिलाते हो, आपको तो पता होगा तो कौन सी बकरियाँ हैं, कैसी है नस्ल, कैसी अच्छी है, पालने के लायक है या नहीं है, शौक क्या है या ऐसे? कामोरी की वजह से नहीं चलती, तो कामोरी ज़्यादा खाती है, ठीक है। पेवर नस्ल पेवर है वो खाने पीने के लिहाज के हिसाब से ज़्यादा है, ये खाने पीने के हिसाब से मुख्तार भाई कम है, ठीक है ना। इसी वजह से इस बकरी में फ़ायदा है, डिमांड भी अच्छी है, खूबसूरती भी अच्छी है और ये ज़्यादा मुंडी में अच्छी लगती है। यहाँ में लगे क्यूट से बच्चे हैं माशाल्लाह, क्यूट से छोटे बच्चे हैं। अच्छा मुख्य अगर मंडी के रेट के हवाले से बात करें तो मंडी में अंदाजा मिलती है कितने का रेट होगा बकरी का? कम से कम 1.5 लाख होगा दाना, एक दाना 1.5 लाख रुपये आराम से इसको पकड़ के बकरी ये सामने पीछे आई यहाँ देखें माशाल्लाह दुखी आई माशाल्लाह। ये गब्बन है आप चेक कर सकते हो। अच्छा ये
इसकी निशानी ज़्यादा क्या होती है? ये जैसे ब्लैक धब्बे हैं इनके, कौन सी? दीदार करवा, दीदार करवा। माशाल्लाह यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छा ये दो वाली खरीद के आए हो, ये वाली यहाँ पे एक लेके आए हैं। नहीं नहीं फार्म में। अच्छा आइडिया है कितने खरीद के आए हो? ये वाली 3.5 लाख की लेके आए हो, जोड़ा दे लेके आए 3.5 लाख का। 3.5 लाख, हाँ 2-7 लाख। देखिए दोनों कितने लेके आए? 7 लाख की। माशा अच्छा सही है भाई, शौकिया चीज़ है यहाँ के वटेरे। और हमारे जैसे बाराड़ी के लोग जैसे ना गाँव देहात वाले, वो लेके पालते हैं 3-3.5 लाख 4 लाख की बकरी। मगर अगर किसी शेर वाले से बात करेंगे तो पूरे 3.5 लाख में जगह मिल जाती है भाई। ऐसे ना भाई शौक का कोई मूल नहीं होता, शौक लोग पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। आपको पता है एक गाड़ी पे लोग चढ़ते हैं ना तकरीबन, वो गाड़ी 40-50 लाख रुपए की है ना, फिर वो भी चढ़ते हैं अपने हिसाब से लेके। तो ये जानवर है, सांस वाली चीज़ है, अल्लाह ताला ने इसको सांस दी, शौक जो है बेहतरीन में। और एक बकरा है ब्रीडर, अच्छी तरह से मैं दिखाऊँ, बड़ा ब्रीडर माशाल्लाह। ये ब्रीडर है, ये चेक कर सकते हैं अच्छी तरह से ब्रीडर। अगर किसी भी दोस्त को अगर चाहिए तो एक दो बच्चा बोलते हैं हम दे देंगे अपने हिसाब से सेल के लिए। हाँ मीर इज्जत करेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो अपडेट वगैरह थी, पानी वानी खड़ा हुआ, ये मीर साहब की ज़मीन है, आप चेक कर सकते हो अच्छी तरह से। तो मैंने जो अपडेट थी अच्छी तरह अपडेट दी। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में बोलता हूँ, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें चैनल को। अब मैं आपसे चाहता हूँ इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।